नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट गेट के लिए साइकोलॉजी के हम प्रीवियस पेपर्स में से सॉल्व फॉर्म में क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं लगातार। उसी सीरियल में ये वीडियो नोट नंबर 18 है, जिसमें हम 30 प्रश्नों की बात करेंगे। ये जो पेपर है आज का, ये है ज्योग्राफी का दोस्तों, 2015 की वैकेंसी का, जो 2016 में हुआ था। तो ज्योग्राफी के पेपर में जो 30 प्रश्न आए थे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के, हम उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 121 पर, और 121 से लेकर 150 तक हैं आपके साइकोलॉजी के प्रश्न। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न इस पेपर का, यानी 121वां प्रश्न। तो देखिए, सीखना है ज्ञान का स्तर, ज्ञान की ऊष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, या प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना, सीखना इनमें से क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 122। शिक्षण अधिगम का केंद्र है, शिक्षण अधिगम का केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग इज शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा कक्ष, या खेल का मैदान। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा है? शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षण अधिगम का केंद्र क्या है? शिक्षार्थी है, यानी लर्नर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 123। अधिगम के दो प्रकार हैं, आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। तो इसमें अधिगम के जो दो प्रकार हैं वो कौन से दोस्तों? आगमन एवं निगमन। ठीक है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 124। प्रभावशाली शिक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? प्रभावशाली शिक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है पूछा है। तो शिक्षक को विषय की जानकारी हो, आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण, अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी, कक्षा कक्ष व्यवस्थापन एवं शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी। तो निम्न में से कौन सी शिक्षण में विशेषता आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी, ये आवश्यक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 125। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। मतलब किशोरावस्था से रिलेटेड है ये, कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। ये अपनी पुस्तक में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है स्टेनले हॉल के द्वारा। तो किशोरावस्था के बारे में स्टेनले हॉल का क्वेश्चन हम जब जैसे जैसे हम प्रश्न पत्र देखते आ रहे हैं हमें कई बार मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न रिपीट होते हैं और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपके सामने ये लगातार सीरीज लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 126। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है, एक चाइल्ड के बारे में कहा गया है, लेकिन जब किशोरावस्था में होता है तो उसमें विकसित हो जाती है क्या? संवेगात्मक संचेतना, या सामुदायिक भावना, या सामाजिक संचेतना, या पारिवारिक सोच, इनमें से क्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है? तो वो हो जाती है सामाजिक संचेतना। क्यों? क्योंकि वो समाज के बारे में ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसको समाज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किशोरावस्था में सामाजिक संचेतना विकसित हो जाती है, इसलिए उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 127। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों के ले जाते हैं, किशोरों को ले जाते हैं, ठीक, किस तरफ? हीन भावना का विकास, उच्च भावना का विकास, समूह की सोच का विकास, या सामाजिक एकता का विकास। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा, ठीक है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो इसमें सही आंसर है हीन भावना का विकास। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 128। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुँच जाते हैं, अधोपतन की स्थिति में, डाउनफॉल मतलब, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, या नकारात्मक रूप में। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल कहाँ पहुँच जाते हैं, इसका हमें आंसर देना है। तो बिल्कुल सही है, उच्चतम स्थिति में, यानी पीक पॉइंट पर पहुँच जाते हैं मानसिक उथल पुथल किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 129। आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, व्यवहारवादी उपागम,
सामाजिक उपागम, आर्थिक उपागम या नैतिक उपागम। इसके अंदर किशोरावस्था नहीं, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से। इसमें जो राइट आंसर है वो है व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 130। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया हो गई और इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। वातावरण का, विद्यार्थियों को बलपूर्वक बलयुक्त प्रेरणा का, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था का या उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 131। विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं, यदि शिक्षक शिक्षण इकाई चयन करने तथा उसे संगठित इस प्रकार से करें कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे, सहायक सामग्री, रुचि लेंगे, शाम्पट कार्य, पाठ को पढ़ें, इनमें से कौन सी शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है रुचि लेंगे। देखिए प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं, यदि शिक्षक शिक्षण इकाई चयन करने तथा उसे संगठित इस प्रकार करें कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, शिक्षार्थी ज़्यादा रुचि लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 132। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं होता, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, किसी भी परिस्थिति को नहीं संभाल सकता। तो इसके अंदर बाकी तीन तो नेगेटिव आ रहे हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल वो अच्छी प्रकार से क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सही है। प्रश्न नंबर 133 देखिए। किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं, स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके, किस प्रकार से हम उनको किशोरावस्था की जो मानसिक अस्वस्थता होती है उसको शैक्षिक संस्थानों में निदान कैसे कर सकते हैं। तो इसमें चारों ही ऑप्शन, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 134 देखिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है, कक्षाओं में शिक्षण नहीं करें, शिक्षक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी सही व्यवहार नहीं करे। तो देखिए इसमें वही बातें सामने आ रही हैं, तीन सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं। तो व्यवसाय के प्रति यदि शिक्षक की वफादारी रहेगी तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उसका शिक्षक का यही दायित्व है कि वो व्यवसाय के प्रति वफादारी निभाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 135। व्यक्ति निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता, तो इसमें राइट ऑप्शन है समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत की बात की जा रही है और ये यहाँ पे समूह की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 136। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं, शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एवं साइबर शिक्षा में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन जो आ रहा है तीनों सही हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 137। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 138। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, प्रदत्त संकलन यानी डेटा कलेक्शन। देखिए कंप्यूटर वाले इसमें आप बिल्कुल अंग्रेजी वाले प्रश्न को जरूर देखें क्योंकि हिंदी आपको जटिल लगेगी कंप्यूटर वाले प्रश्नों में, आईसीटी वाले क्वेश्चंस में इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। प्रदत्त संचयन यानी डाटा स्टोरेज, प्रदत्त प्रोसेसिंग यानी डाटा प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी यानी अबव ऑल। ठीक है, तो इसके अंदर कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं, तो हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, तो इसमें ये सारे कार्य इसके मुख्य होते हैं। ये डाटा कलेक्शन भी करता है, स्टोरेज भी करता है और डाटा प्रोसेस भी करता है। प्रश्न नंबर 139।
कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से हैं? समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखाचित्र द्वारा विस्तार से चरणबद्ध स्पष्ट करना, या इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी? तो इसमें बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित मुख्य चरण और कार्य हैं। 140 कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, रीड ओनली मेमोरी, अबाव ऑल। तो इसके अंदर देखिए प्रश्न कितने आसान पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी यानी अबाव ऑल। ठीक है, यदि दोस्तों आपने वीडियो नोट लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए 141 सूचना संप्रेषण तकनीक के मुख्य कार्य कौन से हैं? सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण, सूचनाओं का पुनरुत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो सूचना संप्रेषण तकनीक की बात की गई है तो इसमें भी राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। 142वां प्रश्न, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है, संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है, या फिर इसके अंदर उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर भी राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। देखिए कमाल हो गया, कितने सारे प्रश्न हो गए जिसमें राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी आ रहा है। अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना करना, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना। इसमें अधिगम से रिलेटेड ये प्रश्न है जिसमें ये चार ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी मतलब ये प्रश्न थोड़ा हटके हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। प्रश्न नंबर 144 देखिए, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। छोटा बच्चा चाइल्ड होता है, दो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आपस में एक दूसरे की चीज़ें शेयर नहीं करते, लेकिन जो भी उनमें बड़ा होता है, किशोर होता है, वो अपने हिस्से की चीज़ भी दे देता है। तो इसके अंदर ये क्या शो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है कि मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। इसके अंतर्गत पूछा गया है किशोरावस्था में कि विकासात्मक कार्यों में कौन सा नहीं आता, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं आता। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 146, निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन निम्न में से कौन सा है? वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण, पाठ्य सहगामी गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना। निम्न में से निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे पहला ही है, वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी से ये लिया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 147, संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है, ध्यान दीजिए प्रश्न पर, नहीं है पूछा गया है, संज्ञानात्मक कौशल, मानसिक विकास, भावनात्मक क्षेत्र की योग्यताएं या मार्गांतरीकरण एवं शोधन। तो निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, ये आवश्यक नहीं है, मार्गांतरीकरण एवं शोधन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 148, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है आश्चर्य, भय, क्रोध, विषाद। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? जिज्ञासा से पूछा गया है तो यहाँ पर आश्चर्य। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 149 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है? लैन, मैन, ऑन या वान। ठीक है, इनको पढ़ेंगे LAN, MAN, OAN, WAN
एन, तो निम्न में से कौन सा नहीं है? ओ ए एन इनमें से सूचना या संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है, लैन मैन वैन तो है, ठीक है। प्रश्न नंबर 150 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, दूरवर्ती स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। बिल्कुल आपने ये पढ़ी है चीज़ें, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है दूरवर्ती स्थानांतरण, ये अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये ज्योग्राफी के पेपर में 30 प्रश्न जो साइकोलॉजी के देखे थे उनको यहाँ पे हमने सोल्व फॉर्म में आपके सामने रखा है। ऐसे ही वीडियो नोट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन सामने आएंगे, जिसके ऊपर ही ऊपर वाला आप ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस पे, ताकि सारे वीडियोस आपको डलें जब जब आप डलें, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।